वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में वृत्त वृत्त ए सी बी डी जिसका केंद्र ओ है की दो जीवाएं हैं, पहली है ए बी और दूसरी है सी डी, दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती है। यदि रेखाखंड AP यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है और रेखाखंड PB की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है और रेखाखंड PC की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो रेखाखंड PD की लंबाई क्या होगी। तो जब कोई दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती हैं, तब इस कंडीशन में फार्मूला जो लगता है वो ये लगता है, फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन फार्मूले के हिसाब से क्या लगेगा, AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये फार्मूला लगता है। AP इंटू PB PC इंटू PD ये तब लगेगा जब दोनों जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, तब इस कंडीशन फार्मूला लगता है। तो AP की डिस्टेंस है 8 और PB की डिस्टेंस है 5 और PC की डिस्टेंस है 4, तो PD की लेंथ हमें पता करनी है। तो इस तरीके से 4 × 8 ये हो गए 5 × 10, तो PD की लेंथ कितनी आ गई 10। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो बस इतना सा कैलकुलेशन करना था, बस ये फॉर्मूला लगा के आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिगर अगर आपको इस टाइप से मिलता है तो अब बात आती है यहाँ पे चित्र में वृत्त ABC, एक ABC वृत्त पर हैं ये तीनों पॉइंट जिसका केंद्र जो है O है, यानी कि इस वृत्त का केंद्र O है कि जीवा जो है AB एक जीवा है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। रेखाखंड AB पर बिंदु B से 8 सेंटीमीटर मतलब B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, यहाँ पे एक बिंदु P लिया गया है। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है वो PC खींची गई है, यानी कि जो स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर PC खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपको फिगर इस टाइप से मिलता है तो फार्मूला क्या लगता है, तो स्पर्श रेखा की लेंथ का स्क्वायर PC का जो स्क्वायर इज इक्वल टू वो PB इंटू PA, ये फार्मूला लगता है, यानी कि PC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है PB इंटू PA। अब PB की लेंथ है 8 और PA की लेंथ P से A, यानी कि टोटल लेंथ हमें चाहिए, यानी कि AB की लेंथ है 10 और PB की लेंथ है 8, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलके आपका हो जाएगा 18। अब ये आपका 144 PC का स्क्वायर, तो इस तरह 64 × 4 हासिल लगा 6, 8 × 8 8 में 6 जोड़ा 14। अब PC का इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका इसका 144 का स्क्वायर रूट होता 12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन सही है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर आएगी। तो ये सिंपल सा है, जब आपको फिगर आपको इस टाइप से मिलेगा, अगर वृत्त की एक छेदक रेखा दी हो, वृत्त की एक स्पर्श रेखा दी हो, तो इस रूल्स को फॉलो करते हुए PC का स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PA करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वृत्त जो है ABCD जिसका केंद्र O है, जिसकी दो जीवाएं हैं, पहली जीवा AB है, दूसरी जीवा CD है, दोनों एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती है, दोनों जीवाएं जो है वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती है। यदि AP की जो लेंथ दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, AP की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और PB
पीबी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, पीबी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और डीपी डीपी डी से पी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमें जीवा सीडी की लंबाई निकालना है। हमें सिर्फ ये टोटल लेंथ दी हुई है, पीबी की लेंथ दी हुई है और ये वाली लेंथ दी हुई है, हमें सिर्फ सीडी की लेंथ चाहिए। तो जब आपकी जब वृत्त के अंदर दो छेदक रेखाएं हों, जब वृत्त में अगर दो छेदक रेखाएं हैं वृत्त में, तो इस तो इसका फॉर्मूला अलग लगता है। क्या लगता है यहाँ पे? पहला PA into PB और PC into PD, ये फॉर्मूला लगता है। बस इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। PA की लेंथ, टोटल लेंथ PA की है 12 और PB की लेंथ है 5। PC की लेंथ पहले निकालेंगे और PD की लेंथ है 6। PD की लेंथ कितनी दी हुई? 6। अब 6 × 6, 6 × 12, 2 से 1 कट गया और 5 × 10 कितनी हुई? 5 × 10। PC को हम कैसे लिख सकते हैं? PC को हम ऐसे लिख सकते हैं PD plus CD। हम PC को इस तरीके लिख सकते हैं, PD plus CD। अब 10 हो गया, अब PD कितना है? PD है 6, तो CD की लेंथ हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे ये 10 इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा -6 CD। इस तरीके से आपकी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। 10 में से 6 गया 4, तो इसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 4th वाला ऑप्शन सही है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप्स रिलेटेड, जिसमें आपका सिर्फ फिगर को देख के ही आपको आंसर निकालना था। अगर आपको ओरल बेस पे इसका कैलकुलेशन समझ में आता है, तो आपको साइड में रफ, अगर आपको रफ की जरूरत पड़ती है तो आपको रफ साइड में आप करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।